वादी कश्मीर कुदरत के हाथों तराशी हुई एक ऐसी रियासत है जो यहाँ की सकाफत से लेकर हर अक्स में अनमोल मुजस्मा है। यहाँ की सरमायाकारी से न सिर्फ लाखों खानदानों को रोजगार फराहम होता है बल्कि ये कश्मीर की माशियत का भी एक बड़ा जरिया है, जिसके चलते हुकूमत ने वादी में बढ़ती हुई बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और खुद रोजगार कमाकर बाइख्तियार होने के खातिर कई इकदाम अमल में लाए हैं, जिनमें MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर्स कश्मीर में छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की तरक्की का हिस्सा हैं। MSME हर साल पूरे मुल्क भर में करीबन 11 करोड़ 10 लाख लोगों को कारोबार की मऊनत फराहम करता है। अदीम रजिस्ट्रेशन के मुताबिक 2020 से 2023 के दरमियान मुल्क भर में 2 करोड़ 23 लाख 62,750 MSME रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिनमें जम्मू कश्मीर के लगभग 2,57,486 रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। सरकारी आयदाद व शुमार के मुताबिक आज के वक्त में कश्मीर की 38,000 से ज्यादा ख्वातीनें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस चला रही हैं, जिनको गारंटी स्कीम के तहत 567 करोड़ रुपए की मऊनत मौसूल हुई है, जिनमें शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग, बारामुल्ला, कुलगाम और बांडीपुरा जैसे जिले शामिल हैं। वादी में छोटे और दरमियानी दर्जों के कारोबारी इदारों से MSME की बदौलत माली साल 2022 में 54% का इजाफा दर्ज हुआ है, जिसमें कश्मीर की फूड प्रोसेसिंग, दस्तकारी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अखराजात शामिल थे। MSME गुज़श्ता 3 सालों में कश्मीर के माशियत में एतिहाद कर उभर रहा है, जिस बदौलत श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले फर्स्ट फोर्टिफाइड ब्रेड के सोफी महदीन ने दिल्ली में MSME बिजनेस अवार्ड हासिल किया, जो कश्मीर के हर शोबे की तरक्की की एक मुतासिर कन रफ्तार का इशारा है। आइए अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी पहचान बनाने के साथ साथ अपने कश्मीर का हर लम्हा खुशहाल बनाएं।